हम आपको दंगे कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र का 1101% रियल वाला पेपर, बिल्कुल दोस्तों आपने सही सोचा, ये हमारा 1101% रियल वाला पेपर है। जैसे कि हमने आपको पहले यहाँ पर लिख कर यहाँ पर इस पेपर को बता दिया था, बट और आप इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा सा वाला 6% वार्षिक। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देख लिया, ख्याति है, तो ख्याति क्या है, इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा बा वाला एक स्थायी संपत्ति। उसके बाद तीसरा देख लिया, नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है, तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आ वाला भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए। उसके बाद चौथा देख लिया, अविभाजनी कोष कौन सा होता है, तो कौन सा होता है ये आपको बताना है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आपको स्वयं लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद पांचवा देख लिया, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी के देय राशि का भुगतान ना करने पर कितनी वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा बा वाला 6% एज है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा आपका देख लिया, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सा वाला, ठीक है, रोकड़ खाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, इसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमारा पहला खालीपन देख लीजिएगा, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष खालीपन रहता है, तो कैसा रहता है आपको बताना है, ठीक है। तो मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ, जिससे आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा बदलना, क्या करना है इसमें आपको, बदलता, ठीक है। तो आपको पहले खाते में लिखना होगा बदलता लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा खाता दिया हमारा, यहाँ पर देख नीचे देख लिया अच्छे से, और साझेदारों के मध्य लाभ के विभाजन के लिए खालतन खाता बनाया जाता है, तो कौन सा खाता बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो दूसरे में आपको कौन सा लगाना है, दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना है लाभ हानि वितरण, क्या लिखना है आपको दूसरे में, लाभ लाभ हानि, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, लाभ हानि वितरण आपको दूसरे खालतन का आंसर लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा खालतन देखिएगा, ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के खालतन पर ही ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा खालतन दिया है, तीसरे खालतन में आपको क्या लिखना है, तीसरे खालतन में आपको लिखना होगा यहाँ पर विक्रय, क्या लिखना, विक्रय, विक्रय आपको तीसरे खालतन का आंसर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, चौथा खालतन दिया हमारा, जीवन बीमा संचय कोष को खालतन के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया जाता है। जो हमारा चौथा खालतन दिया हुआ है, ठीक है, चौथे खालतन में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा साझेदारों, क्या लिखना है, साझेदारों, साझेदारों आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे कालतन का आंसर। उसके बाद पांचवा कालतन देखिएगा, फर्म के विघटन पर प्रथम सर्वप्रथम खालतन दायित्वों को भुगतान किया जाता है। तो जो हमारा यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पांचवा कालतन दिया है, इसमें आपको लिखना होगा बाहरी, क्या लिखना है, बाहरी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, छठा हमारा दिया हुआ है, छठे में क्या करना है, विघटन पर फर्म की संपत्तियाँ उनके खालतन मूल्य पर वसूली खाते में अंतरित की जाती है। जो हमारा यहाँ पर पांचवा कालतन दिया है, इसका आंसर आपको नीचे, सॉरी यहाँ पर छठा कालतन दिया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एक फटाफट कमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, मैं आपको सही जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो यहाँ पर सही जोड़ी मिला लीजिएगा, पहला आपका दिया प्रत्येक साझेदार फर्म का, तो इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा ग वाला, ठीक है। यहाँ पर ग वाला कौन सा गया हमारा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लिया, दूसरे में हमारा हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, फ वाला, फ वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे में आप लगा लीजिएगा, तीसरे में हमारा सा वाला हो जाएगा, यहाँ पर सा वाला देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद चौथे में हमारा हो जाएगा, चौथे में हमारा कौन सा हो जाएगा, आ वाला, ठीक है। उसके बाद पांचवें में हमारा लगा लीजिएगा, पांचवें में हमारा हो जाएगा यहाँ पर ब वाला यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद छठा आपका दिया है, छठे में आप लगा लीजिएगा, छठे में हमारा जो दिया हुआ है इसमें हमारा ई वाला हो जाएगा, यहाँ पर ई वाला लगा लीजिएगा। और जो हमारा लास्ट बचा है इसमें हमारा दा वाला हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना, सत्य और असत्य बताना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, सत्य और असत्य बताना है। जिसका हमारा पहला दिया है, पहला आपको लगा लीजिएगा, पहला हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा,
दोस्तों दूसरा कैसे हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा पर कौन सा हो जाएगा, क्या पूछे यहाँ पर, साझेदारी का निर्माण केवल वैधानिक व्यवसाय के लिए किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, सभी के लिए किया जाता है, ये हमारा असत हो जाएगा। तीसरा आपका देख लिया, तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, असत हो जाएगा। चौथा आपका लगा लीजिएगा, चौथा आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पांचवा लगा लीजिएगा, पांचवा आपका क्या पूछे यहाँ पर देख लिया, ख्याति की राशि पर मत्तक साझेदार का हिस्सा नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लिया अगला दिया हमारा, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन पाँच, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे कि हमारा देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन दिया हमारा, यहाँ पर सात क्वेश्चन है, इन सातों के आंसर आपको फटाफट याद कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर पेस्ट करना है, कहाँ पर करना है, गूगल पर करना है, जिससे आपके इनके आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेटा लेगा, साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो क्वेश्चन नंबर साझेदारी संलेख से क्या से, उसके बाद सातों क्वेश्चन लाभ की गारंटी से क्या से, अथवा क्वेश्चन लाभ हानि विनियोग खाते से क्या से, ठीक है। ये बिल्कुल रियल वाला पेपर है, ठीक है, आपको संकोच नहीं करना है इस पेपर को याद करने में। अब यहाँ पर सातों क्वेश्चन लिया, सातों के बाद आठवा क्वेश्चन दिया हमारा, नौवा क्वेश्चन दिया, दसवा क्वेश्चन देख लिया, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, चौदहवा, चौदह के बाद पंद्रहवा, पंद्रह के बाद सोलहवा, सोलहवे के बाद यहाँ पर सत्रहवा क्वेश्चन दिया हमारा, सत्रहवें के बाद यहाँ पर अट्ठारहवा, अट्ठारहवें के बाद यहाँ पर उन्नीसवा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। उन्नीसवें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर हमारा बीसवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बीसवें के बाद यहाँ पर चलते हमारे यहाँ पर इक्कीस क्वेश्चन पर, यहाँ पर हमारा इक्कीस क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों आपको इस पेपर का पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो मैं टेलीग्राम पर इस पेपर के पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर समथिंग 13,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन दिया हमारा, ठीक है, यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, 22वें क्वेश्चन के बाद, 22वें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देख लिया यहाँ पर दिया हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं, सॉरी माफ करना, यहाँ पर हमारे बारहवीं का लेखा शास्त्र का यहाँ पर 1,101% रियल वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।